माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाली हमारी दो विधानसभा फाजिल नगर और तमकुही राज जो कुशीनगर जिले में पड़ती है और बिहार के बॉर्डर पर स्थित है, जिसमें एक तरफ गंडक नदी बहती है, लोग जीविका और अन्य कार्यों के लिए गोरखपुर आते जाते हैं। यहाँ बॉर्डर पर स्थित तरिया सुजान रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन संख्या 1580 जो गोरखपुर से पाटलिपुत्र की ट्रेन है, गोरखपुर से पाटलिपुत्र जाते समय तो तरिया स्टेशन पर रुकती है, लेकिन आते समय इसकी वापसी के समय रुकने की व्यवस्था नहीं है। इस ट्रेन को वापसी के समय भी रोका जाए। ट्रेन संख्या 15113 और 15114 गोमती नगर से चलकर छपरा कचहरी तक जाती है, ये गाड़ी भी किसी तरफ से नहीं रुकती है, तथा इस गाड़ी को भी गोमती नगर के छपरा कचहरी तक तरिया सुजान रेलवे स्टेशन पर रोका जाए, जिससे कि यहाँ के यात्रियों को, यहाँ से लोगों को जाने आने की सुविधा हो सके। साथ ही मेरी आपसे आग्रह है, जो सिवान से बाया थाने होकर गोरखपुर होकर गाड़ी संख्या 75113 होती है, वो कोरोना काल में बंद है, जिससे कि यहाँ के लोगों की काफ़ी असुविधा हो रही है, इस गाड़ी को भी चालू किया जाए। इसके अतिरिक्त दुदही रेलवे स्टेशन पर प्रशासन द्वारा एक अस्थाई आरक्षण काउंटर खोलना आवश्यक है, जिससे कि वहाँ के यात्रियों की लाभ मिल सके। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि उक्त ट्रेनों का ठहराव तरिया सुजान रेलवे स्टेशन और दुदही कराया जाए, जिससे इसकी सुविधा हमारे संसदीय क्षेत्र को लोगों को मिल सके। आपने समय दिया, इसके लिए आदर सहित आभार व्यक्त करता हूँ।